दुर्गुण दुर्गुण कितने दुर्गुण हैं। हमारे भक्त एक हैं आजमगढ़ में, नाम है श्री ललन तिवारी जी। कह रहे थे कि भक्ति के प्रभाव से हमारा स्वभाव बहुत बदल गया है। मैंने पूछा क्या बदल गया है, बोले लोभ तो पूरा खत्म ही हुआ। तो हमने कहा और, बोले और क्रोध बहुत था, गुस्सा बहुत ज्यादा ही थी, तो भी अब 98% गुस्सा खत्म हो गए, पूरा गम खा लेते और सह लेता हूं, और मोह भी अब पूरे खत्म हो गया, अभिमान भी खत्म हो गया। भक्ति की शक्ति का प्रभाव तब पता चलता है जब आपका क्रोध भी खत्म होने लग जाए, समझ बूझ आ जाए। ये जो बहुत क्रोध आता है, भयंकर क्रोध, कितने लोग तो भस्मासुर हैं और कितने घर में तो जितने लोग हैं सभी भस्मासुर हैं, सब भस्मासुर, बहुत ज्यादा क्रोधी स्वभाव के रहते उसी घर में, रोज क्रोध करते, रोज लड़ते, रोज झगड़ते, रोज मुंह फुलाते, रोज खटपट, रोज नाक भनभनाते हैं, और फिर उसी में रहते हैं, फिर हुए खाते हैं, फिर सोते हैं, फिर कहते हैं पापा, फिर कहा तुमसे बड़ा कोई पापी नहीं तो बहुत बड़ी नाटक है लोगों की। अब जिनके साथ में रोज रहना है तो उलझने से कोई फायदा नहीं जाता, और कोई सोचे कि हमारी पत्नी और बदल जाएगी और बदल जाएगी, और ये अब नहीं बदलेगी, ये ऐसी ही रहेगी, अब बहुत बदल गई है, मर जाएगी लेकिन बदल नहीं पाएगी। और कोई अगर सोचता हो इतना पति को हम गुस्सा करके सुधारेंगे तो सुधर तो ही जीवी करी, सुधर न जी ही मर जी ही, सुधर उधर न जी, अब आखिरी तक सुधर ही गई, इनके बस का नहीं ज़्यादा सुधरना, ठीक है जीने दो इनको भी, क्यों मार डालोगी जैसे कई कई थी बहुत जिद्दी थी, राजा दशरथ मर गए, फिर विधवा हो गई, फिर वहाँ चित्रकूट तक रोने जाती, वहाँ भों भों रोती, ये बिलखना रोना तड़फना, हैया रे दैया रे भैया रे मैया रे आ हा हा वो हो कहा कहा कुछ नहीं कहा, ये सब फालतू नौटंकी ये सब छोड़ो, प्रेम से रहो घर में और एक दूसरे को क्षमा भी करो, साधु जीवन में भी प्रेम से रहो, छल कपट मत करो, क्षमा भी करो, और कोई कुछ कह भी दिया है तो थोड़ा गम भी खा लो, इतने सनगर पनगर क्यों बनते हो, कोई बोल दिया आपको तुमने ऐसा क्यों किया और ये बात वो बात, तो सुधार कर लो, गम खा लो, तुम सुधार की बात भी सुनना नहीं चाहे तो इतना अभिमान भरा तुम्हारे अंदर है, तो तुम्हारा तो ठिकाना कहीं नहीं, दुखी रहोगे जिंदगी भर। तो ये भक्ति हमारे दुर्गुणों को दूर करती है। अगर ठीक ढंग से लगन है आपकी, गुरु भक्ति में तू लगा ले लगन, यदि लगन लगी है ठीक से तो आपके दुर्गुण दूर होंगे जरूर। तेरे दुर्गुणों का तो होगा दमन, सब खत्म हो जाएंगे दुर्गुण। कितने लोग कहते हैं हम भक्ति में जब से लगे हैं तब से हम दारू फिर कभी पिए ही नहीं, पहले तो बहुत पिए, जब से हम गुरुभक्त हो गए मंत्र सुन लिए तब से हमने दारू छुआ भी नहीं, पीना तो अलग है, पुड़िया गुटखा भी नहीं खाया हूँ, न तमाकू खाता हूँ, पहले गाली भी बहुत देता था, अब गाली भी बंद कर दिया सर, बस गुरु भक्ति आ गई है, शांति। अब ये सब कितना ज्ञान हो गया उसको, ज्ञान बोध उजास दो हे सदगुरु करुणा कर्म।
अज्ञान मेरा नाश दोहे सद्गुरु करुणा करम। ज्ञान बोध उजास दोहे सद्गुरु करुणा करम। ज्ञान बोध उजास दोहे सद्गुरु करुणा करम। अज्ञान मेरा नाश दोहे सद्गुरु करुणा करम। भक्त कह रहा है हे करुणा सिंधु सद्गुरु मुझे ज्ञान दो, मेरा अज्ञान नष्ट कर दो, मेरे अंदर उजाला कर दो, बहुत अंधकार में भटक रहा हूँ। आप जैसे संत कोमल को रिझाने के लिए एक गुण मुझ में नहीं है सद्गुरु करुणा करम। आप जैसे संत कोमल को रिझाने के लिए एक गुण मुझ में नहीं है हे सद्गुरु करुणा करम। अज्ञान मेरा नाश दो, अज्ञान मेरा नाश दो हे सद्गुरु करुणा करम। ज्ञान बोध उजास दो हे सद्गुरु करुणा करम। ज्ञान बोध उजास दो सद्गुरु करुणा करम हे सद्गुरु करुणा करम हे सद्गुरु करुणा करम। आप जैसे कोमल करुणावान संत को रिझाने के लिए खुश करने के लिए हमारे अंदर एक भी गुण नहीं है हे करुणा सिंधु गुरुदेव प्रभु, आप कैसे हमसे प्रसन्न होंगे, किस तरह आपका आशीर्वाद मिलेगा, वो हमको गुण दे दीजिए, गुणवान बनूं, चरित्रवान बनूं, महान बनूं, विवेकवान बनूं, बुद्धिमान बनूं, कर्मवान बनूं, आलसी न बनूं, एक अच्छा इंसान बनूं, श्रद्धावान बनूं, आपके चरणों में यथा श्रद्धा हो जाए। भक्ति दो, श्रद्धा दो, ज्ञान दो, वैराग्य दो, नियम संयम की राह पर चलने की शक्ति दो, दुर्गुणों को जीतने की क्षमता दो, संसार की ममता को हर लो। माया की नींद में सोया हूं मुझे जगाओ हे सद्गुरु करुणा करम। गुरु भक्ति में तू लगा दे लगन, ऐसी लगन हमारी होनी चाहिए जैसे मीराबाई की लगन थी भक्ति में, शिवरी की लगन थी, ध्रुव की, प्रहलाद की, राम की, कृष्ण की, कबीर की, क्राइस्ट की, जरथुस्त्र की, गुरु नानक देव की, बाबा अंगद देव की, बाबा अर्जुन देव की, विशाल देव की, श्री क्षमा देव की, जैसे आपकी लगन है, जैसे हमारी लगन है, ऐसे भक्ति में सत्संग में सबकी लगन होना चाहिए। उसमें लग जाओ, मन लगा के डुबकी लगा लो। धर्म करे ते सुख को भोगे पुनः देह धर जूटे, भक्त की ही से मुक्ति को लेवे जग व्यवहार न घूटे। धर्म करने से सुख मिलता है और पुनः जब जन्म होगा तब भी सुख सुविधा मिलेगी। अच्छे घर में जन्म होगा, अच्छे माता पिता मिलेंगे, अच्छा परिवार मिलेगा, अच्छे पुत्र पुत्री मिलेंगे और अच्छे भाई बहन मिलेंगे। ये धर्म के फल से ही मिलते हैं, अन्यथा दुष्ट माता पिता मिल जाएंगे अगर आपने अधर्म किया है, क्योंकि अपने अधर्म का फल तभी भोगोगे जब आपके फैमिली के मेंबर सब दुष्ट होंगे।
जब तक वे दुष्ट नहीं होंगे तब तक कर्मफल भोगोगे कैसे कष्ट, दुष्ट ही तो कष्ट दे सकते हैं। तो इसलिए इसी जीवन में खूब धर्म कीजिए। धर्म कैसे करोगे? परहित सरीश धर्म नहीं भाई, परहित सरीश धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। भाव से गाओ, सब गाओ। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, परहित सरीश धर्म नहीं भाई, धर्म न दूसर सति समाना, धर्म न दूसर। झूठ क्यों बोल रहे हो? बहुत जान जा रही तो झूठ बोल दो, जान बच रही तो झूठ बोल दो। ये टुकड़ों के लिए झूठ बोल रहे हो, छोड़ो आदत। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताके हृदय सतमार्ग पर चलो। अगर एक झूठ बोला है आपने ना, उस झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ और बोलना पड़ेगा। अब वो 100 झूठ छिपाने के लिए फिर 1000 झूठ और बोलना पड़ेगा, फिर वो 1000 झूठ छिपाने के लिए फिर जिंदगी भर झूठ का ही इंतजाम करना पड़ेगा। और सत्य बोल दिया एक बार बस काफी है। जहां नहीं बोलने लायक है कुछ नहीं बोलेंगे, चुप रहेंगे, बात खत्म हो, क्या जरूरत है? सत्य बोलने में भी यदि झगड़ा हो सकता, मारपीट हो सकती है, तो सत्य को भी शांत कर दीजिए। ऐसा खरा खर भी मत रहिए, थोड़ा शांति बनाए रखिए। सांच बराबर तप नहीं, और परहित सरीश धर्म नहीं भाई। परोपकार, परोपकार जो करता है उसको नीति शास्त्र में संत कहा गया है। परोपकाराय शताम विभूतया, विभूतया माने विभूतया, विभूति, विभूति माने होता शरीर। संतों का शरीर परोपकार के लिए होता है, अर्थात जो परोपकार करता है वही संत होता है, जो दूसरों की मदद करते हैं। जैसे आपकी गाड़ी बिगड़ गई, दूसरी कोई गाड़ी आई उसने मदद कर दिया, तुम्हारे पास जैक नहीं थी जैक दे दिया, फटाफट लगवा दिया, या आपका गाड़ी स्टार्ट नहीं होती तो धक्का मरवा दिया, या आप लुढ़क गए हैं तो आपको उठवा दिया, अब गठरी नहीं उठा पा रहे उठा के लदवा दिया, और कंप्लीट काम है। आपका घर बन रहा है, कुछ कमी आ रही है, मदद कर दिया कि चलो ठीक है, हमारा ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ा है, सामान ले आइए, इससे आपका घर बन जाए अच्छा सा, हम खुश हैं। दूसरों की मदद करना बहुत बड़ा धर्म है, परोपकार धर्म है। दान करना भी धर्म है, मधुर बोलना धर्म है, सेवा करना धर्म है, गम खाना धर्म है, संतोष करना धर्म है, संयम नियम से रहना भी धर्म है, सत्संग सुनना भी धर्म है, स्वाध्याय करना धर्म है, सदग्रंथ पढ़ना धर्म है। विशाल देव ने 29 प्रकार के धर्म बताए। धैर्य रखना धर्म है, भक्ति करना धर्म है, शील रखना धर्म है, चरित्रवान बनना धर्म है, प्रेम से रहना वो भी धर्म है, बहुत तरह से बता दिए। मेहमान की सेवा करना वो भी धर्म है, अतिथि का सत्कार करना धर्म है, सबका ख्याल रखना धर्म है, ऊट पटांग काम न करना वो भी धर्म है। धर्म छोटे मोटी चीज नहीं है। भाई के साथ भाई का धर्म निभाइए, पिता के साथ पिता का धर्म निभा दीजिए, और आपके पास तो बहुत धर्म है। जब वाहन चलाते हो तो ड्राइवर का धर्म आपको निभाना पड़ता है, जब आप किसी के पिता बनते हो तो पितृ धर्म आपके ऊपर लागू हो जाता है, जब किसी की माँ बनती हो तो मातृ धर्म आपके लिए चुनौती बन जाता है,
जब किसी की बहन बनकर खड़ी हो तो बहन का धर्म निभाओ, भाई बनकर खड़े हो तो भाई का धर्म निभाओ, भक्त बनकर खड़े हो तो भक्ति का धर्म निभाओ कि भक्त को कैसा होना चाहिए। और कहते हैं जब धर्म पर आदमी चलने लग जाता है तो उसके जीवन के कांटे भी फूल बनने लग जाते हैं, पीड़ा भी बीड़ा बनने लग जाती है, कष्ट भी रेस्ट में बदलने लग जाते हैं और उसको स्वास्थ्य भी अच्छा होने लग जाता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानम् सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम्। धर्म संस्थापनार्थाय आवाज में मैच करो, सम वाम युगे युगे अलग अलग बांसुरी ना बजे बजे, आवाज में मैच करना चाहिए। यदा यदा ही धर्मस्य, क्या अर्थ है इसका? जब जब हो ही धर्म की हानि, बढ़े ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी मनुज सरीरा, हरहीं सकल स जन भव पीरा। जब जब धर्म कमजोर होने लग जाता है तब तब मनुष्य के रूप में कोई महान पुरुष भगवान के रूप में आकर अवतार लेता है। देखने में मनुष्य लगता है लेकिन भगवान का रूप होता है, वो भगवत सत्ता उसके अंदर काम करती है। और भगवत सत्ता जिसके अंदर काम करती है उसकी वाणी से करोड़ों लोगों में बदलाव होगा। और जिसके अंदर दैत्य सत्ता काम करती, राक्षसी प्रवृत्ति, उसके वाणी से करोड़ों लोगों का बिगाड़ होगा, उनका नुकसान होगा। और जिसके अंदर भगवत सत्ता आ जाती है उसकी वजह से, उसके प्रभाव से करोड़ों लोग धर्म की राह पर चल पड़ते हैं, भक्ति में लग जाते हैं। इसलिए मनुष्य के रूप में कहते हैं गुरु को जो मनुष्य के रूप में देखते हैं वे लोग अंधे हैं, उनको दिख नहीं रहा कि गुरु जी मनुष्य हैं, वो भगवान से भी श्रेष्ठ भगवान हैं, पूरा परिवर्तन चक्र चला रहे हैं, लोगों की बुराइयों को दूर कर रहे हैं। बहुत बड़ा काम। और भगवान राम भी कहते हैं, भगवान राम और भगवान कृष्ण भी गुरु जी की पूजा करते थे, उन्होंने भी कहा है गुरु की कृपा से ही मैं भगवान बना हूँ। इंसान के रूप में भगवान, इंसान के रूप में महान, ये सत्संग के प्रभाव से ही हो सकता है। मत कीरति गति भूति भलाई, जब जहि जतन जहां जहि पाई, सो जानहु सतसंग प्रभाओ, लोक हु वेद न सत्संग प्रभाओ, सो जानहु सत्संग प्रभाओ।